गाइज हाउ डू यू डू आई होप यू गाइज आर क्वाइट सेफ एंड साउंड गाइज बाई टूडे वी आर गोइंग टू अपलोड द वीडियोज रिगार्डिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ वीडियो विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन क्लासेस दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन क्लास गाइज If you are going to carry on the class, if you are continuing to watch our video, you can learn English in a better way. You can learn English with Sir Abdul Muhaimin. Here I am to teach you English communication, expressions, spelling, pronunciation. Okay, so be continue, be punctual, and be persistent with me. You will learn English ultimately. I can assure you, okay? So be punctual, be continue with us. Let's start. तो आज की क्लास हमने क्या है स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन रूल्स से शुरू किया है अगर इसे आप अच्छे से समझते हैं ठीक है तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स में कमी आ जाएगी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स आपके कम होंगे तो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक्स ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक चीज़ है जो आप करते हैं डेली बेसिस पे तो उसको ना करें या वो आपसे ना हो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं एस पहला क्या है पहला रूल है एस ऑफ प्लूरल जब प्लूरल के एस हो तो प्लूरल के एस को क्या पढ़ा जाता है ज पढ़ा जाता है ज ज ज ओके जैसे चेयर्स चेयर्स ऐसे चेयर्स नहीं पढ़ना है चेयर्स चेयर्स टेबल्स टेबल्स स्टूडेंट्स 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 तो चेयर्स दूसरा क्या है जब एस अपोस्ट्रॉफी ओके एस अपोस्ट्रॉफी का हो व्हेन एस ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस विल बी रेड एस एस विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक सा ओके जब अपोस्ट्रॉफी का एस हो तो उस एस को आपको कैसे पढ़ना है सा की तरह पढ़ना है जैसे द बॉयज बुक यहाँ पे द बॉयज बुक नहीं कहना है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एपोस्ट्रेफी के एस को जा पढ़ देते हैं और प्लूरल के एस को सा पढ़ देते हैं तो ये दिक्कत है ओके तो कैसे पढ़ना है द बॉयस बुक द बॉयस बुक द डायरेक्टर्स ऑफिस द डायरेक्टर्स ऑफिस द डायरेक्टर्स ऑफिस यहाँ पे द डायरेक्टर्स ऑफिस नहीं कहना है तीसरा एम मैंने क्या लिखा कि अगर बी एम के बाद आ रहा है तो बी साइलेंट रहेगा बहुत सारे लोग बी को पढ़ देते हैं तो आपको क्या करना है जब देखो कि एम के बाद बी आ रहा है तो बी को नहीं पढ़ना है साइलेंट जैसे यहाँ पर डम्ब आप कहेंगे डम्ब तो गलत हो जाएगा कम यहाँ पे कम पढ़ना है क्लाइंब क्लाइंब नहीं पढ़ना है उसके बाद यहाँ पे थंब नहीं पढ़ना है तो इस तरीके से जितने सारे वर्ड्स हैं जो एम बी जो एम के बाद आ रहा है ठीक है तो उससे उस बी को नहीं पढ़ना है वो साइलेंट रहेगा गॉट आइए चौथा क्या है व्हेन पी पी इज कमिंग बिफोर एन एंड एस एन एन एस तो क्या होगा पी विल बी साइलेंट तो पी साइलेंट होगा जब पी एंड एस से पहले आ रहा है तो पी साइलेंट होगा जैसे साइकोलॉजी साइकोलॉजी देखो यहाँ पे पी किससे पहले आ रहा है एस से पहले आ रहा है तो पी क्या है साइलेंट है यहाँ पे देखिए पी किससे पहले आ रहा है एन से पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा पी साइलेंट हो जाएगा जैसे निमोनिया निमोनिया ओके पी को नहीं पढ़ना है ऐसे नहीं करना पी साइकोलॉजी पी निमोनिया ऐसे नहीं कहते निमोनिया ठीक आगे पांचवा क्या है द फोर्थ द फिफ्थ वन इज व्हेन वाई व्हेन देयर इज अ वर्ब एंडिंग विद द वाई ठीक जब ऐसा कोई वर्ब हो जो किससे खत्म हो रहा हो वाई से खत्म हो रहा हो
तो उस वाई को सबसे पहले आई में बदल देंगे, किसमें, सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ठीक। और उसके बाद ए डी जोड़ेंगे, ठीक। जैसे क्राई, क्राइड, क्राइज, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। ऐसा कब होगा? जब कोई वर्ब वाई से खत्म हो रहा है लेकिन उस वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। ये देखना जरूरी है, ठीक है, कि उस वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तब ऐसा होगा। जैसे क्राई, क्राइड, क्राइड। जैसे एफ एल वाई, फ्लाई, तो वाई से पहले क्या है, एल है, जो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्लाइड, फ्लाइड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा वाई एंडिंग वर्ब, वॉवल प्लस वाई। अब मैंने यह लिखा कि कोई वर्ब वाई से ख़त्म हो रहा है लेकिन उससे पहले क्या है, वॉवल है, तो क्या होगा, उस वाई को आप आई में चेंज नहीं करोगे, वो वाई वाई ही रहेगा। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे इसके एग्जांपल, प्रे, प्रे, पी आर ए वाई, प्रे। देखो वाई से पहले क्या है, आ है, ठीक है, ए है, तो उससे चेंज नहीं करेंगे, प्रेड, प्रेड, प्रेड। अब सातवां क्या है, सातवां वावेल कॉन्सोनेंट एंडिंग वर्ब्स, ओके, वावेल कॉन्सोनेंट एंडिंग वर्ब, वावेल प्लस कॉन्सोनेंट, ओके। अब देखिए कोई वर्ब जो कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है और उससे पहले वावेल हो, कोई भी वावेल हो, आ, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी हो, ठीक, तो कोई वर्ब जो कॉन्सोनेंट से ख़त्म हो रहा है और उससे पहले वावेल हो तो क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर विल बी डबल्ड, जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ठीक, वो डबल हो जाएगा। जैसे प्लान, देखो प्लान, एन, एन ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे आ वावेल है, तो एन से पहले क्या है, वावेल है, इसलिए एन को डबल कर देंगे, इसलिए डबल हो गया सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, प्लांड, प्लांड, स्टॉप, पी, पी, पी लास्ट में आ रहा है, उससे पहले ओ है, तो पी को डबल करेंगे, स्टॉप, स्टॉप। यहाँ पे एडमिट, टी लास्ट में आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावेल आ रहा है, तो इसे टी को डबल कर देंगे, एडमिटेड, एडमिटेड। एंड देन उसके बाद आठ है सी, सी का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, उसके तीन प्रोनाउंसिएशन पे हमें खासा ध्यान देना है, ठीक। अगर सी ई आई वाई से पहले आ रहा है तो सी को पढ़ेंगे सा, जैसे सेंचुरी, ओके, सेंचुरी, सिनेमा, नाइस, सिनेमा, नाइस, तो सी देखो ई से पहले आ रहा है, सी देखो यहाँ पे वाई से पहले आ रहा है, देखो सी ई से पहले आ रहा है, ओके, तो सी को सा पढ़ना है। बी सी, अगर सी आई ए से पहले आ रहा है तो सी को क्या पढ़ेंगे, श, श, एस एच की तरह, श, तलश, कमर्शल, 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 व्यापारी, तिजारती, ओके, सोशल, सोशल, व्यवसायी, सोशल, 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 इसे सोशल, सोशल और सोशल दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल, ओके, आर्टिफिशियल। अब सी, सी अगर आ ओ यू के आर एल से पहले आ रहा है तो सी को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, जैसे क्याव, कैमेल, क्रॉस, क्लासिफिकेशन, एनकैरेज, एनकैरेज, लक, एनकैरेज, लक, ओके, क्याव, क्याव, गाय, कैमेल, ऊंट, क्रॉस पार करना, क्लासिफिकेशन, बाट जो भाग, एनकैरेज, एनकैरेज, हिम्मत दिलाना, एंड लक, तकदीर। तो आज के वीडियो में आपने कई प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग के रूल्स को सीखा है, अगर इसे आप ध्यान से पढ़ते हैं और इसे याद रखते हैं, ठीक है, इसे जो आप पढ़ रहे हैं बुक उस पर उसको फिट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होगी। And as well, we are going to update you that in the next video, we will tell you more about spelling and pronunciation classes. We will continue spelling and pronunciation class
देन विल स्टार्ट स्पोकन क्लासेस, देन विल स्टार्ट एक्सप्रेशंस एंड ग्रामर क्लासेस. बी कंटिन्यू बी पंक्चुअल एंड परसिस्टेंट विद द लर्निंग प्रोसेस विद सर अब्दुल मुहैमिन. ओके, आई विल टीच यू ऑन द डेली बेसिस इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, English expressions classes. Okay, so be continue. Thank you guys, and I would like to request you to subscribe my channel interactive language classes and like it, share it, and do comment in our comment box. Thank you.